कल हम इसमें पढ़ रहे थे कि विजुअलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, ऑडिटरी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर और लर्निंग डिसेबिलिटीज जो कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, जिसमें से हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था जो कि पढ़ने में दिक्कत के ताल्लुक से जो थे। तो उसमें था पहले डिसलेक्सिया, ये पढ़ने में ऐसा शब्द जिसमें पठन विकार से भी है, न्यूरोलॉजिकल भी होता है ये, ई और क वगैरह विभेद नहीं कर पाना, सौ को वॉस, न्यूक्लियर को अनक्लियर, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं समझ पाना, लेटर रिवर्स कर देना पढ़ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी उसमें। लिखने में भी गलती हो जाती है। और अप्रेक्सिया मतलब हमने देखा था कि एक ऐसा जिस्मानी बीमारी है जिसके हिसाब से मांसपेशियों के संचलन में संबंध सक्षम मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो फिजिकल जो कोऑर्डिनेशन है चीज़ों का, तो वो चीज़ है लिखना जिसके अंदर मोटर स्किल्स भी अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। और ये माइंड के न्यूरोलॉजिकल सेरिब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न विकार है। डिस्प्रेक्सिया का हमने कल देखा था कि अप्रेक्सिया का ही एक टाइप है, जिसमें जो है तो हाथ और आंखों के बीच में एक संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, कि मतलब वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता इसके अंदर भी। और डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। उसके बाद में था अफेजिया। अफेजिया मतलब एक लैंग्वेज और स्पीच का, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है अभी अफेजिया से। तो अफेजिया भाषा एवं संप्रेक्षण अधिगम अक्षमता, लैंग्वेज और स्पीच का डिसऑर्डर में आएगा। मौखिक रूप से सीखने और विचारों को अभिव्यक्त करने में इसमें दिक्कत होती है, कठिनाई, और ये भी माइंड से रिलेटेड किसी प्रकार की क्षति से ये अफेजिया होता है। तो अभी जो अफेजिया है ये डिराइव कैसे हुआ और इसकी ये देखिए, तो अफेजिया क्या है कि कुछ पीपल के लिए लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन से अफेजिया यूजुअली होता है, आमतौर से जल्दी मतलब अचानक, कभी कभार एक स्ट्रोक या हेड इंजरी के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ये डेवलप होता है स्लोली ब्रेन ट्यूमर या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है अफेजिया। तो इसका भी हमने देखा था अफेजिया का, ये पेशेंट का कि वो क्या सामने वाला, ये कल देखा था कि ट्रबल होता है स्पीकिंग क्लियरली में, बात बराबर से नहीं कर पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता स्पीच को, और राइटिंग क्लियरली नहीं हो सकती, और उसी तरह से ट्रबल होता है अंडरस्टैंडिंग रिटन वर्ड्स को, और जो याद दिखाने वाले अल्फाज है वो भूल जाता है, और ऑब्जेक्ट के नेम्स भी भूल जाता है कि इस कुत्ते का नाम क्या था, या फिर ऐसे चीज़ें, यानी कि बहुत ही रैंडमली। तो उसके बाद में यह था अफेजिया। और डिसफेजिया, डिस मतलब हमने देखा था कि डिसफंक्शनिंग या फिर मतलब कोई चीज़ का प्रॉब्लम होना, डिस मतलब, और फेजिया तो एक्ट वगैरह एक्टिविटी के हिसाब से था। तो डिसफेजिया का हम देखते हैं कि ये ड्राइव कहाँ से हुआ। तो डिसफेजिया में डैमेज टू द एरियन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, कि ये एक ब्रेन में जो लिखने और उसी तरह से समझकर लिखने और बोलने में अल्फाजों को ये काम नहीं कर पाता ब्रेन, उस वजह से क्या होता है कि कंबाइंड या ग्लोबल डिस्पेशिया में डिफिकल्टी होती है कुछ भी एक्सप्रेस करने की, कुछ वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है पर्सन, तो उसको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा स्पीक करना और अंडरस्टैंड करना किसी लैंग्वेज को भी, बोल पाना या फिर किसी के लैंग्वेज को समझ पाना। इस टाइप का डिस्पेशिया कॉज होता है वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लैंग्वेज सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन में कुछ डिसफंक्शनिंग के कारण ये होता है डिस्पेजिया। इसकी अगर एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम डिस्पेजिया की, तो कल हमने ये भी कवर किया था डिस्पेजिया का, तो ये जी वाला एक अलग है और ये डिस्पेजिया वाला ये, कल हमने ये इमेज देखी थी कि डिस्फेजिया क्या है, डिसऑर्डर है लैंग्वेज का जो के स्ट्रोक वगैरह के तौर पर
उसकी वजह से हो सकता है। और ये रेंज जो होती है फ्रॉम मिल टू सेवर, मतलब अलग अलग तरह से भी हो सकता है, ये अफेक्ट होता है स्पीच के ऊपर भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग स्पीच, स्पीच समझने के लिए भी, या फिर जो बोलना चाह रहा है वो सामने वाले को नहीं समझा पा रहा, या फिर रीडिंग और राइटिंग, फिर डिस्फेजिया के अंदर ये चीजें आते हैं। यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स और पावरलेस ऑफ स्पीच, के वर्ड्स को समझ ना पाना और पावरलेस हो जाना, कि स्पीच अगर कर रहे हैं तो सामने वाले को क्लियर नहीं कर पा रहे। चेंज इन द ब्रेन, स्ट्रक्चरल चेंज, उसका चेंज आने से। ये कुछ अलग अलग ऐसे डेफिनेशंस मिल सकेंगे आपको कि जिसमें इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और इसमें अगर हम एक लाइन में अगर उसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो ये माइंड में, दिमाग में जो है, तो ब्रेन जिसको हम कहेंगे, तो ब्रेन में प्रॉब्लम के वजह से बातचीत करने में मेल, लैंग्वेज डिसऑर्डर के तौर पर आंशिक या पूर्णत, मतलब थोड़ा सा या फिर पूरी तरह से डिसेबिलिटी, ये हो सकती है डिस्पेजिया। तो आपको याद रखना, जब भी अफेजिया, अफेजिया का जब टर्म आएगा, तो उसको ज्यादातर भाषा, बातचीत, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये रखना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं अप्रेक्सिया में, अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया डिस्फेजिया, तो अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर प्रेक्सिया का मतलब एक्ट है कुछ काम करना, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, मतलब स्किल्स इस्तेमाल हो रही है, उसके अंदर दिक्कत रहेगी, तो वो सही तौर पे मोटर स्किल नहीं कर पा रहा, लिखना, चलना, फाइन एज वेल एज ग्रॉस, और बोलने में भी। लेकिन यहाँ देखिए, स्पीच या भाषा नहीं आया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बोलने की वजह से। और डिस्प्रेक्सिया जो था, तो वो इसी का एक टाइप है, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे कि ये संतुलन नहीं कर पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, जो वो देख पा रहा है तो वो ये चीज को बराबर से कैच नहीं कर पा रहा, या फिर उसको होल्ड नहीं कर पा रहा, ऐसे चीजें बराबर से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। तो एक्टिविटी एक्ट से, प्रेक्सिया से आप ये याद रख लेना कि एक्ट एक्टिविटी वगैरह से, उसमें डिस्फंक्शन, और पेजिया से याद रख लेना कि यानी कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इसमें दो चीज आ रही है, देखिए बातचीत, बातचीत और भाषा एवं संप्रेक्षण। और यहाँ पर क्या था, जो अप्रेक्सिया था, बोलना, बोलना और बातचीत में दोनों में फर्क है। बातचीत में कम्युनिकेशन जब होता है, तो दो पर्सन कम्युनिकेट जब करते हैं, तो वो बात चीजें एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स, एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का एक पार्ट है। और सिर्फ बोलना मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले को समझ पाना नहीं पा रहा, वो एक अलग सिचुएशन हो जा रहा है, लेकिन बोलने में निपुण नहीं हो पाना। और यहाँ डायरेक्टली भाषा, उसको समझ में नहीं आ पाना भाषा, या फिर उसको बातचीत में बराबर से हो नहीं पाई, ये चीज आ जाएगी कि बातचीत करने में पूरी तौर से अक्षमता, कि उसने क्या कह दिया, किसको कुछ समझा ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद एलेक्सिया, और उसके बाद में है डिसग्राफिया। यहाँ पर अब देखिए, ये थोड़ा सा और इसको कंफ्यूज हो जाएंगे आप पढ़कर, क्योंकि इसमें अब ऊपर के कुछ चीजें मिक्स होने वाले हैं। तो एलेक्सिया, ये जो माइंड में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण पढ़ने में अक्षमता, अब आपको लगेगा कि डिस लेग्जिया में हमने पढ़े थे कि पढ़ने में अक्षमता, तो अब एलेक्सिया में क्यों आया है ये टर्म, यानी कि चीजें रिपीट हो रही है, देखिए कहीं कहीं तक, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो वर्ड को समझना है कि वो क्या हिसाब से पूछेंगे। एलेक्सिया मीन्स द इनएबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिटर्न मटेरियल, जो रिटर्न मटेरियल होता है उसको भी कॉम्प्रीहेंड कर पाने की इनएबिलिटी, पेशेंट की एबिलिटी के राइट और स्पेल करना इंटैक्ट फुली, बट दे आर अनेबल टू स्पॉन्टेनियसली रीड इवन व्हाट दे हैव रिटन सेकेंड अबो, कि उन्होंने सेकेंड पहले भी अगर कुछ लिखा था तो उनको याद नहीं रह रहा। वो अक्सर जो है, तो लोगों को नमाज पढ़ने में ये चीज होती है कि कितनी रकात हुई थी, तो अगली रकात में पिछली भूल जाते हैं, वो एक अलग चीज है एग्जाम्पल देने के लिए। वहां तो जैसे कि एक हिसाब से शैतान बहकाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा था, अभी किस बारे में लिखा जा रहा था, तो भूल गया बिल्कुल। अदर फीचर ऑफ लैंग्वेज सच एज स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, ये यूजुअली इंटैक्टफुल होते हैं इसके अंदर।
तो एलेक्सिया डिसऑर्डर इस तरह से होता है। इसको और थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि इमेज के तौर पे कुछ मिल सकता है या नहीं। ये भी न्यूरोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम में आ रहा है। और एलेक्सिया कहाँ से आया है कि ये ग्रीक ओरिजिन है हेल्पर के तौर पे, लेकिन इसके अंदर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें मोस्ट केसेस ऑफ एलेक्सिया विदाउट अग्राफिया, अग्राफिया भी है। और अग्राफिया क्या है, ये एक एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कॉज होता है लॉस इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग, कि जब वो राइटिंग में कम्युनिकेट होता है तो उसमें कॉज होता है एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट करने में राइटिंग में, ईदर ड्यू टू सम फॉर्म ऑफ मोटर डिसफंक्शन और एन इनएबिलिटी टू स्पेल, कि किसमें ऐसी इनएबिलिटी हो सकती है कि जो स्पेलिंग बराबर नहीं निकाल पा रहा। तो ग्राफ से देखिए, ग्राफिया याद रखिए, और अग्राफिया, अ लग गया मतलब जैसे कि प्रेजेंट, तो अपसेंट, मतलब कुछ चीज़ों में अ का इस्तेमाल भी होता है, तो उससे समझ में आ जाता है कि कोई चीज़ ऐसे आ में आ जाता है। सामने हेलो, हाँ बोलिए। तो अग्राफिया, ग्राफ से यहाँ पर ये क्या है, एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पर अ लग गया, और कॉजिंग लॉस इन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग, कि राइटिंग में कम्युनिकेट करने में इनएबिलिटी होना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ मोटर डिसफंक्शनिंग है। आप मोटर में इनएबिलिटी टू स्पेल, फाइन मोटर की बात चल रही है कि वो स्पेलिंग नहीं निकाल पा रहा। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि मोस्ट केसेस ऑफ एलेक्सिया विदाउट अग्राफिया, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं कि लिखने की अगर दिक्कत को हटा दिया जाए तो वो इस वजह से होते हैं कि सेरी ब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स फ्रॉम थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोबोलिक डिसीज। सर आपकी आवाज साफ नहीं। आपका नेटवर्क का इश्यू कुछ आ रहा होगा, तो आप थोड़ा सा रेंज में आइए तो वो हो जाएंगे। नेटवर्क का आपका इश्यू दिख रहा है, क्योंकि आपकी भी जब आप बता रहे थे इससे पहले तो आवाज़ ब्रेक हो रही थी, तो एक मरतबा नेटवर्क चेक कीजिए उसमें। तो थ्रोम्बोटिक और जो है तो थ्रोम्बोम बोलिक डिसीज जो होता है कि इन्वॉल्व लेफ्ट पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी, पीसीए जिसको हम कहेंगे, जो रिजल्ट होता है इन इनफैक्ट ऑफ द लेफ्ट ऑक्यूपिटल कॉर्टेक्स और स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस सेलोजम। तो इसमें जो आ रहा है एलेक्सिया का, तो ये इस तरह से डेफिनेशन आ रही है जो कि अभी बायोलॉजिकल टर्म पे आ रही है। ये डेफिनेशन को अभी नई भी याद रखे तो चलेगा। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं कि इसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता हो रही है, मतलब पढ़ने में दिक्कत, रीडिंग की डिसेबिलिटी। इसे शब्द अंधता या फिर पाठ अंधता या फिर विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है, मतलब इसे क्या जा रहा है, अंधता मतलब दिख ना पाना, क्लियरली वर्ड्स ना हो पाना, या फिर उसके अलावा क्या रहेगा कि पाठ अंधता या फिर विजुअल, सारे चीजें किससे रिलेटेड दिखाई दे रही है कि आंखों से, विजुअल अफेजिया। क्योंकि अफेजिया का हमने क्या देखा था, अफेजिया का था कि भाषा और संप्रेक्षण, मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर के तौर पर, कि लैंग्वेज जो रहेगा, स्पीच डिसऑर्डर, हाँ ये चीजों के हिसाब से। लेकिन अब इसको विजुअल नाम दिया गया, तो विजुअल जब भी आता है तो विजन से बना, विजुअल तो विजुअल होता है कि आंखों से या फिर देखने के रिलेटेड चीजें होती है, तो देखने के रिलेटेड विजुअल अफेजिया ये हो गया, मतलब कांटेक्ट हो रहा है ना वहां पर भी, आई कांटेक्ट हो पाना या फिर कम्युनिकेशन करने में ये चीजें उसमें आ सकती है। तो शब्द अंधता, तो उससे क्या हो गया कि कम्युनिकेशन कैसा हुआ, कि शब्द अगर उसको अंधता है, दिख नहीं पा रहा बराबर, तो वो हिसाब से उसको क्या लिखा है सामने वाले ने, तो रिटर्न देख कर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा ना वो माइंड में। तो ऐसा नहीं है कि अफेजिया में क्या था कि
ये था कि सिर्फ बातचीत करने में, लिखने की चीज नहीं थी। तो यहाँ पर वही बताया गया कि कभी कभार वो ग्राफिया से रिलेटेड हटकर भी हो सकता है और ऐसे भी। तब यहाँ बात चल रही है कि देखकर, तो विजुअल, विजन से रिलेटेड, तो विजुअल अफेजिया इसको आ जाएगा। तो एक क्या रिपीट हो गया, अफेजिया। अब उसके बाद हम देखते हैं ये अर्जित डिसलेक्सिया भी है, अर्जित एक्वायर्ड डिसलेक्सिया जिसको हम कह सकते हैं, अर्जित करना, जैसा भाषा अर्जन है, भाषा सीखना, एक्विजिशन। तो अर्जित डिसलेक्सिया मतलब अपनाया हुआ एक डिसलेक्सिया एक हिसाब से बोला जा रहा है। कि क्यों, कि एलेक्सिया के कारण अफेजिया एव डिसग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है। मतलब अगर ये चीज अगर आपको होती है तो इसकी वजह से आपको अफेजिया भी हो सकता है। जैसे कि विजुअल अफेजिया हुआ, ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा आंखों का और वो शब्द का, और साथ ही साथ डिसग्राफिया क्यों हो गया। डिसग्राफिया का हमने क्या पढ़ा था, ग्राफ मतलब लिखने से रिलेटेड। तो जब उसको दिखने में अगर वो बोर्ड से दिखकर कॉपी कर रहा है तो ग्राफ भी बराबर नहीं बना पाएगा, मतलब लिखने में। तो ये चीजें क्या हो रही है कि अक्षमता हो रही है। और वहीं पर एक्वायर्ड डिसलेक्सिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जब उसको दिखने में आंखों से विजन रखना है, इसके अंदर विजन चीज को याद रखना है, तो आंखों की वजह से उसको फिर पढ़ने में भी अक्षमता हो रही है। तो ये चीजें उसके अंदर आ रही है, ये संभव है किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्थिति में ही ये चीजें हो, कि एक इंसान को एलेक्सिया है तो उसको सारी ही बीमारियां तीनों हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी वजह से ये चीजों में भी वो जा सकता है, या उसका भी शिकार बन सकता है, या उसकी कैटेगरीज उसके अंदर देखी जा सकती है। लेकिन उसकी मेन जड़, मुख्य जड़ हमें क्या समझ में आ रही है, विजुअल, विजन से रिलेटेड। तो इसको क्या कह रहे हैं, क्या शब्द अंधता, वर्ड ब्लाइंडनेस, ऐसा कुछ टर्म अगर हम उसको हिंदी में अगर देख ले, इंग्लिश में याद रखे तो ऐसा हो सकता है। और कुछ डेफिनेशन मिलती है कि इसके हम देखेंगे अच्छी। तो ये तो एक था कि पेशेंट की एबिलिटी, एक्वायर्ड डिसऑर्डर। देखिए अभी एक्वायर्ड की जैसा डिसलेक्सिया बताया गया, तो एक्वायर्ड डिसऑर्डर बताया जा रहा है। मतलब एक होता है कि इननेट, इननेट एबिलिटी मतलब क्या होती है, इननेट मतलब इनबॉर्न, कि जो आपको बचपन से आ रही है, मतलब डायरेक्टली एबिलिटी। और ये किसमें रिजल्ट हो रही है, इनएबिलिटी टू रीड और कॉम्प्रिहेंड करने, कॉम्प्रिहेंड करने रिटन लैंग्वेज को। ये क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है इंडिविजुअल का, रिमेन कैपेबल ऑफ स्पेलिंग राइटिंग वर्ड सेंटेंस बट आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट वॉज रिटन बाय देमसेल्फ। उन्होंने क्या लिखा था ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब देखने में, कि उसको उसकी राइटिंग ही बता दी गई कि क्या लिखा था, तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या लिख दिया था। और इसके बाद दिस इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द मैकेनिकल इनएबिलिटी टू रीड, कि मैकेनिकल एक इनएबिलिटी हो जा रही है रीड करने, ये इसमें ये डेफिनेशन बता रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स वगैरह सारी चीजें आ सकती है। तो मेन हमें दिमाग में रखना है कि वो देखने से रिलेटेड, सच एज विजुअल। अब देखिए यहाँ पर विजुअल आया था, विजुअल इम्पेयरमेंट, कि किस वजह से इनएबिलिटी टू रीड, सच एज विजुअल इम्पेयरमेंट, के देखने में अक्षमता, देखने की प्रॉब्लम, खामी की वजह से, और एजुकेशनल फैक्टर जो रिजल्ट हो रहे हैं एक इलिटरेसी के रेट में। एलेक्सिया इज यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन इंजरी और डैमेज, मोस्ट ऑफन फ्रॉम सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कुछ, अफेक्टिंग द डोमिनेंट हेमिस्फेयर। ये ऑफन कभी कभार ये जो है तो एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ विथ अदर कॉम्प्रिहेंशन डिफिसिट सच एज अग्राफिया। तो कुछ उसके अंदर ऐसे भी मतलब कोई कमियां पाई जाती है कि अग्राफिया ना लिख पाना ग्राफ से, अभी हमने जैसे देखा इनएबिलिटी टू राइट, अकैल्कुलिया। अब देखिए हमने डिसकैल्कुलिया पढ़ा है, लेकिन देखिए एक टर्म है अकैल्कुलिया, हो सकता है कि सीटेड में ये चीज भी आ जाएगी, क्योंकि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है अकैल्कुलिया। डिसकैलकुलिया हमने पढ़ा था कि क्षमता, यानी कि डिस मतलब डिसफंक्शनिंग या फिर काम ना कर पाना, और कैलकुलिया कैलकुलस की या फिर मैथमेटिकल, हाँ वर्ड से भी वो डिटरमाइन हो जाएगा। तो अकैलकुलिया इनएबिलिटी, इनएबिलिटी रख दीजिए टू डू एरिथमेटिक्स, एंड अफेजिया स्पोकन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज रिकॉग्निशन डेफिसिट। एलेक्सिस ऑल्सो नोन एस, देखिए इसको दूसरा नाम जो कि हमारे पास हिंदी में था, कि शब्द अंधता या पाठ अंधता।
उसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं वही कि वर्ड ब्लाइंडनेस और एग्नोसिस एलेक्सिया। कभी आपको सीटेट में ऐसा आ गया सीडीपी में कि व्हाट इज एग्नोसिस एलेक्सिया, या फिर उसको ऑप्शन में रख दिया गया तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये टर्म नया है तो उसको आप रख दीजिए एलेक्सिया अनदर नेम्स लिखकर रख दीजिए। एंड इज रेयर कंडीशन फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, और इसे डिस्क्राइब किसने किया था ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो वो है डिजराइन इन 1887 में। ये कंडीशन इन्वॉल्व होती है इन एबिलिटी टू रीड विद रिटेंशन ऑफ राइटिंग स्किल्स स्पीच प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये उसके बारे में बहुत सारा, एक पीएचडी लेवल पे आप ये चीज़ों पे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपके 5 से 7 क्वेश्चंस तो मतलब आपको मिल ही सकते हैं। और उसी तरह से क्या होता है, ये लैंग्वेजेस में भी आता है, उर्दू में भी आते हैं ये डिसीजन, क्योंकि पढ़ने में अक्षमता है ना, और पढ़ना किससे जुड़ा हुआ है, लैंग्वेज से। और लैंग्वेज में ये भी आते हैं, फिर सीडीपी में भी आते हैं, कभी कभार ईवीएस में आ सकते हैं, कभी साइंस में आ सकते हैं, कि ये मतलब प्रॉब्लम से उसको क्या हो रहा है, ये सारी चीज। अभी हमारे पास में एक टास्क है जिसको आपको बाद में करना है। अभी हमने एक चीज ये देख लिया था कि एलेक्सिया जो था तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, तब आपको असाइनमेंट में ये दिया जा रहा है काम कि आप जैसे कि फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, तो आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और आपको ऐसे लिखना है कि डिसलेक्सिया, या फिर पहला हमारे पास में डिस्पेजिया सपोज। अच्छा हाँ, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, ये चीजों को निकाल के रख लीजिए। डिस्पेजिया इज डिसऑर्डर ऑफ स्पोकन, इसमें अगर कुछ नाम मिलते हैं या नहीं, फादर ऑफ अफेजिया क्या है तो पॉल ब्रोका। ये तो फाउंडेशन लेवल का चीज है जो हमको कभी पता ही नहीं है, क्योंकि हमें सिलेबस में दिखा कि ये चीजें है, तो डिस्कवर्ड किसने किया, तो ये चीजें भी आपको असाइनमेंट में लिख लेना है। पॉल ब्रोका ये जो है तो सर्जन था, अफेजिया के ताल्लुक से इनको फादर ऑफ अफेजिया कहा जा रहा है। और उसी तरह से जो मेन है, डिसलेक्सिया के तौर पे कभी कभार आ सकता है कि डिसलेक्सिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड ब्लाइंडनेस जर्मन एक आइसोलेटेड कंडीशन थी जिसमें एडोल्फ, ये पूरी उसकी हिस्ट्री वगैरह जो चीजें आ रही है, और देखना है कि टर्म भी आ रहा है क्या, वर्ड ब्लाइंडनेस ही अलग चीज हो गई। अच्छा हाँ, वो डिस्कवर डिसलेक्सिया, तो एडोल्फ कुजमाल इसमें जो नाम आ रहे हैं उनके प्रोफेसर, और उसको फिर बाद में आपको प्ले करके देखना है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे निकल रहा है, फिर उसको सही प्रोनाउंसिएशन में आपको बोलना है द टर्म वर्ड ब्लाइंडनेस सिम्टम्स। तो जो मिलते हैं वो लिखिए, यहाँ पर जो नाम आ रहा है तो उसमें कहीं डिसलेक्सिया नहीं दिख रहा है तो उसको छोड़ देना है फिर, क्योंकि यहाँ पर बार बार सिर्फ वर्ड ब्लाइंडनेस ये कहा जा रहा है, तो वो चीज़ों को छोड़ देना। तो ये जितने मिल सकते हैं तो आप उसको निकालिए, क्योंकि भूल जाते सकते हैं अगर हम, तो फिर आपको ये चीज़ याद रहेगी। उसके बाद में ये है, अब इसमें देखिए यहाँ तक हम पहुँचे थे कि इसके ताल्लुक से चीज़ें हो सकते हैं, तो अब ये डीपली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एलेक्सिया। अब है डिसग्राफिया, तो डिस मतलब डिसफंक्शनिंग, ग्राफिया ये थोड़ा आसान है कि ग्राफ लिखने में, लिखने से संबंधित अक्षमता, ठीक से नहीं लिख पाना, लिखने से रिलेटेड है, हाथ हथेलियां उंगलियों के संबंध गड़बड़ी, तो ये भी हो सकती है, क्योंकि फाइन मोटर स्किल में जो मांसपेशियां इस्तेमाल होगी, जो मतलब फिजिकली जो अपने को हैंड वगैरह इस्तेमाल होगा, पाम और उंगलियां, तो ये चीजें जो है तो फिंगर्स वगैरह इसमें गड़बड़ी आ सकती है। और ये भी मस्तिष्क, सारे चीजें जुड़ी हुई है मस्तिष्क से, न्यूरोलॉजिकल, तो न्यूरोलॉजिकल जब भी टर्म आता है तो सारे मतलब लर्निंग डिसऑर्डर्स में जुड़ा हुआ है, तो मस्तिष्क से संबंधित कुछ गड़बड़ियां मतलब उसके कारण, तो इसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिसग्राफिया का पढ़ेंगे। हाँ, तो डिसग्राफिया, क्योंकि हमें ये देखना है कि डिराइव्ड कहाँ से हुए वर्ड्स, तो ये ग्रीक वर्ड डिस इम्पैक्ट और ग्राफिया लेटर फॉर्म्स बाय हैंड्स, ये हिसाब से बाद में आप इसके फादर ऑफ वगैरह ऐसे निकालिए, और इसको तो देखने की कुछ जरूरत नहीं है, लिखने से गड़बड़। डिसकैलकुलिया, डिसफंक्शनिंग कैलकुलस और कैलकुलेशंस में, जैसे कि अकैलकुलिया भी हमने अभी देखा, तो वैसे गणित, अंक गणित समझने में कठिनाई, इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जा सकता है, न्यूमलेक्सिया भी उसको दूसरा नाम है। तो इसमें बाकी चीजें क्या लिखी हुई है, ग्राफिकल मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है कि ग्राफिकल इनएबिलिटी भी आ रही है, नहीं तो कभी कभार क्या होगा कि आपको
दिमाग में ऐसा रखा कि शायद डिसकैलकुलिया में ग्राफिकल इनएबिलिटी नहीं आ रही, कि वो तो डिसग्राफिया में आना चाहिए, ग्राफ से ग्राफ। लेकिन देखिए इसके अंदर दिया हुआ है कि ग्राफिकल, फिर ऑडियो, ऑडियो ग्नोटिक, ऑडियो से मतलब फिर वो सुनने, ऑडियो नोटिक, तो ऐसा कुछ हो सकता है शायद, अभी इंग्लिश में देखेंगे उसको, कि सुनकर नोट करना, ऐसा कुछ हो सकता है। और लेग्जिकल, हाँ लेग्जिकल मतलब जैसे कि डिसलेग्जिया, लेग्जिकल और वर्बल, ये कुछ गड़बड़ी, ये तो कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास, लेकिन अब हम इसको समझेंगे और हिसाब से। कि डिसकैलकुलिया, अनदर नेम ऑफ डिसकैलकुलिया पहले हम देख लेते हैं, ये फिर डिसकैलकुलिया कहाँ से डिराइव हुआ वो देखते हैं। डिराइव्ड हुआ काउंटिंग बैडली, ग्रीक वर्ड दिस मीन्स बैडली, एंड रूट कैलकुलिया कम्स फ्रॉम द लैटिन कैलकुलर, जिसका मतलब है टू काउंट, और उसका कैलकुलेशन कैलकुलस में भी आता है, तो काउंटिंग बैडली, तो ये क्या हो गया उसका। और इसमें ये भी देख लेंगे कि इंट्रोड्यूस्ड, ये किसने किया, दिस कॉल्ड कैलकुलिया वॉज एग्जैक्ट, नाम मिलना चाहिए तो जब ही लिखिए, अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता तो बिल्कुल मत लिखिए। पुट फॉरवर्ड बाय द रिसर्चर कॉस्ट 1974 में। उसके बाद में डिस्कल कैलकुलिया का ये हो गया, और क्या देखना था, अनदर नेम, मैथमेटिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कैलकुलिया, और इसमें क्या आ रहा था लिखकर, न्यूम्लेक्सिया, न्यू मतलब न्यूमेरिकल से कुछ आ रहे हैं, न्यू लेग्जिया। अब देखिए डिसलेग्जिया में लेग्जिकल वर्ड है, तो न्यू नंबर से रिलेटेड, तो इसलिए लेग्जिकल का टर्म इस्तेमाल हुआ। तो न्यू मतलब नंबर, जैसे कि नमलॉक होता है, न्यूमरिक कीपैड नंबर, तो उससे न्यू लेग्जिया इसको नाम दिया जा रहा है, यहाँ पर जो था इसे न्यू लेग्जिया, तो उसी तरह से उसके नंबर के लेग्जिकल आ रहा है यहाँ पर। जैसा दिक्कत होगी ना कि भाई डिसलेग्जिया भी वही है, तो इसमें भी न्यूमलेग्जिया कह दिया जा रहा है, तो डिसलेग्जिया में पढ़ने में अक्षमता है, तो न्यूमलेग्जिया नंबरिंग में गड़बड़, नंबर आ गया फिर मैथ से, रियाजी से मुताल्लिक, तो इस वजह से ग्राफिकल आइडेंटिकल शेप्स बनाने से, क्योंकि उसके अंदर होते हैं स्क्वायर वगैरह, तो उसकी हम ये ले सकते हैं। ऑडियोग्नोटिक मतलब जो बोलकर फिर वो नोट कर पाना उसको, जैसे स्क्वायर वगैरह सारी चीजें, ऐसे हो सकता है कि मतलब उसको अगर किसी ने बोल दिया रूट रूट थ्री वगैरह, तो उसको दिमाग में नहीं आ रहा कि रूट मतलब क्या है, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट ने जड़ बना दिया डायरेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। वर्बल, ये सारी चीजें इसमें गड़बड़िया, इसको और समझते हैं कि कुछ हमें इसके बारे में मिलता है। डिसकैलकुलिया, व्हाट इज डिसकैलकुलिया, इट्स अ स्पेसिफिक परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स विच कैन लीड टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ डिफिकल्टीज विथ मैथमेटिक्स, इट विल बी अनएक्सपेक्टेड इन रिलेशन टू एज, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एंड अकर्स अक्रॉस ऑल एजेस एंड एबिलिटीज। फिर इसकी कुछ डेफिनेशन हो गई, सिम्टम्स वगैरह की तो जरूरत नहीं है, तो बस इतना था कि उसके अंदर के, अगर आपको थोड़ा हार्ड लेवल से पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो सिर्फ हमें इतना मालूम था कि डिसकैलकुलिया यानी के कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इतना मतलब सिर्फ पता था, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ग्राफिकल भी आता है, न्यूमलेक्सिकल भी आता है, तब कंफ्यूज भी नहीं होना, ऑडियोग्नोटिक होता है, वर्बल आता है, तो अलग तरह से जैसे पूछेगा, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ कंफ्यूज करके कैसे पूछता है, जैसे डिसलेक्सिया में कभी भी पढ़ने से नहीं पूछा था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और उसमें दूसरा कुछ था इस तरह से, तो उस लिए हम ये चीजें इतनी डीप में देख रहे हैं। तो डिस कैलकुले के लिए इतना काफी था, डिस थीमिया, अब डिस का तो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी, और कितने रह गए, डिसमॉर्फिया दो ही बचे हैं बस, और हमारे पास 7 मिनट है, तो कोशिश करेंगे कि इसमें खत्म हो जाइए। डिस थीमिया, तो पहले जो है, तो डिस थीमिया जो है इसका प्रोनाउंसिएशन हम पहले देख लेते हैं, इसको पढ़ना कैसे है, तो डिस्थाइमिया, उसको थाई के हिसाब से डिसथाइमिया ऐसे प्रोनाउंस करना है, डिसथाइमिया। डिसथाइमिया क्या है, अ माइल्डर बट लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक डिप्रेशन की किस्म बताई गई,
इट्स ऑल्सो कॉल्ड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। पीपल विद इन दिस कंडीशन में ऑल्सो हैव बॉट्स ऑफ मेजर डिप्रेशन एट टाइम्स। डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स योर बॉडी मूड एंड थॉट्स। कि डिप्रेशन में जाने से आपके मूड का डिसऑर्डर होता ही है, जो इन्वॉल्व होता है आपकी बॉडी में, आपके मूड को रिलेटेड और आपकी सोच में भी। यानी कि अगर किसका मूड खराब है तो उसके ख्यालात भी, करके बोलते हैं कि मूड अच्छा है तो तब पूछ लेंगे, मूड अच्छा नहीं लग रहा था तो यानी उसके सोच में भी एक आधे को झापड़ रसीद कर देता हूँ। और मूड अगर खराब था तो सामने वाला मतलब उस पर रिएक्ट कुछ और कर सकता है। और योर बॉडी इन्वॉल्व्स योर बॉडी। लेकिन अगर किसी का हमेशा मूड खराब रहा तो उससे डरना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें रह जाती है। दिस थायमिया वर्सेस डिप्रेशन क्या है? कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको कह दिया गया, अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस मेनी सिम्टम्स एंड दे अफेक्ट अ पर्सन ग्रेटली। सिम्टम्स 2 वीक तक भी रह सकते हैं ऐसे कुछ। दिस थायमिया में जो है तो कुछ कम सिम्टम्स होते हैं जो कि एटलीस्ट 2 साल तक भी रह सकते हैं, बता रहे हैं। मस्ट लास्ट फॉर 2 ईयर्स। ये डिफरेंस बता रहे हैं दिस थायमिया और डिप्रेशन के बारे में। ये चीजें कुछ पता चल रही है। और इसके अलावा इसमें क्या है कि गंभीर तनाव की अवस्था व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, मतलब मूड हमेशा खराब होना, और बालक का अधिगम प्रभावित होना। तो ये चीजें कुछ इसमें बता दी गई थी जिसको हमें अभी देखना है और थोड़ा डिटेल्स में। तो दिस थाइमिया, लॉन्ग लास्टिंग फ्रॉम डिप्रेशन, देखिए उसमें स्ट्रेस है, गिल्ट है, शर्मिंदगी भी है, एंग्जियसनेस है, घबराहट वगैरह, खौफ या कोई चीज से परेशानी, चिंता, होपलेस, नाउम्मीदी होना, फैटिग, लो सेल्फ स्टीम, खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह, और मतलब कम दर्जे में खुद को देखना, सोचना, ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही है। कॉजेज स्ट्रेस वगैरह, ये सारी चीजें मतलब यहाँ समझ में आ रही है कि डिस थायमिया में वो है। अब अगर हम बात की जाए कि अगर आपको लगे कि ये माइल्डर जो है इसको अगर हम उर्दू में क्या कहेंगे और प्रोनाउंसिएशन इसको कैसे करेंगे, तो हल्का इसको कहा गया, हल्का। तो माइल्डर मतलब हल्का मौतेदल, इसको दूसरा नाम कह दिया जाए। तो इसमें क्या आ रहा है कि माइल्डर मतलब यहाँ पर था इमेज में कि हल्का सा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन की एक फॉर्म है। और ये डिसथाइमिया जो है तो ये आया है ग्रीक वर्ड रूट डिस मतलब इल या बैड, और थाइमिया का मतलब है माइंड या इमोशंस, माइंड और इमोशंस, ये यहाँ से आया टर्म। डिसथाइमिया वर्ड दिख गया तो फिर उसको लिख लेना है। साइकेट्री वॉज सी एफ फ्लेमिंग 1844। हो सकता है कि सवाल आ गए, आप नहीं बोल सकते उनको कि ये क्यों आया है, पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि रूट उसका तो फाउंडेशन ही है ना, कि जिसने उसको मतलब इंट्रोड्यूस किया होगा फर्स्ट यूज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, भले ही आप साइड में लिख कर रख लीजिए लेकिन एक दिमाग में रखिए जिस टाइम या वगैरह का ये चीजें कभी काम में आ सकती है। 1844, 1844, राइट। तो क्या है माइल्डर जो कि हल्का सा लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, और इसको दूसरा नाम क्या है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये भी कह दिया गया, ये लिख सकते हैं आप परसिस्टेंट, PDD, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एनर्जी कम वगैरह रहना, ये सारी चीजें मेजर टाइम्स मूड वगैरह के तौर पर, तो इससे ये याद रख लेना। अब सिर्फ हमारे पास में 2 मिनट रह गए जिसमें हमें ये डिसमॉर्फिया के बारे में पढ़ना है। डिसमॉर्फिया, डिस मतलब डिसफंक्शनिंग या फिर इल बैड, ये चीजें आ सकती है। डिसमॉर्फिया का पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि सामने वाले को ये लगता है कि
एबनॉर्मेलिटी होती है उसकी शेप साइज या फिर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अगर किसी को चेहरे के तौर पर बार बार जहन जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, कि लोग मेरी स्किन को नोटिस अगर कर रहे होंगे, तो अगर वो अच्छा खासा भी है तो वो सोचता है कि मुझे शायद मतलब पिंपल ज्यादा महसूस कर लेना एक्चुअल से ज्यादा भी, और उसके साइज को लेके कि थोड़ा वेट ज्यादा मैं हूँ या फिर हाँ ये सारा एबनॉर्मेलिटी। मसल डिस्मॉर्फिया भी एक आता है, इसकी कोई एक इमेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये इमेजेस है कि एक्चुअली सामने वाला जो दिख रहा है उसको लग रहा है कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत मतलब खराब लग रही हूँ ओरिजिनल से उसको। इज दिस मी, कि मैं क्या ऐसा लगता हूँ उसको खुद को, मतलब वो चीज है ऐसी लगती है, डिसमॉर्फिया उसे कहा जाता है। डिसमॉर्फिया जिसको हम अभी हिंदी में पहले पढ़ लेंगे, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या फिर अपूर्ण है, ऐसा लगता है कि मतलब ना काफी, जैसे कि हैंड्स बहुत छोटे लग रहे हैं या फिर बहुत बड़े लग रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ चीजें शरीर के विभिन्न, किसको लग रहा है कि नाक उसकी टेढ़ी है, किसको लग रहा है आग फला फला, शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से वो करने लगता है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी की चप्पल अगर फट गई तो दूसरों की चप्पल देखते रहता है कि उसकी भी है या नहीं, तो वैसे ही जो है तो इसको लगता है कि वो उसके अंदर दूसरों में देखने लगता है तुलना करके। इसकी प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है, कि उसके व्यवहार पर चाल चलन पर पड़ता, मतलब चाल चलन मतलब उसके जो भी वो एक कम्युनिकेट करेगा मार्केट में उसकी पर्सनालिटी पे पड़ेगा। समावेशी शिक्षा योजना में बच्चे की आवश्यकता जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अभी यहाँ से समावेशी चालू हो गया क्योंकि 1 ही मिनट तक खत्म होने वाला है, तो डिसमॉर्फिया को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। कहाँ से हुआ ये भी आपको समझ में आ गया, और इंट्रोड्यूस्ड